हेलो दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कली वाला गुलाब बनाने वाली और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा और आप इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छी जगह फ्लावर्स और किसी चीज़ में भी आप इसको सजा सकते हैं, दीवारों पे लगा सकते हैं, अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे सकते हैं। ये रोज है, कली वाला है और इससे हम आपको स्टार्ट करना सिखा रहे हैं। देख सकते हैं शुरू कर चुके हैं और अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए। हम स्टार्ट करते हैं, हिप चैन बनाएंगे। देख सकते हैं शुरू कर दिए, 1 2 3 4 5 5 चैन है। अब इसको हम यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे, एक राउंड बनाएंगे 5th चैन का। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर एक चैन बना देंगे और अब स्टार्ट करते हैं। इसको हमें ऐसे बनाते जाना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक राउंड बना दिया है। इसको जो हम बना रहे हैं इसको हाफ क्रोशिया बोलते हैं। आप इसमें हम इसमें ये ऐसे जो लेते हैं क्रोशिया चावल बनाते समय वो नहीं ले रहे हैं। बस जब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे तो एक चैन ऐसे बना देंगे, उसके बाद हम यहाँ से ये ऐसे इसको हम हाफ क्रोशिया बोलते हैं। हाफ क्रोशिया करके हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे। अब देख सकते हैं दूसरा राउंड हमारा जा रहा है। देख सकते हैं दोस्त, ये ऐसे ही बनेगा। ये हमारा अंदर का राउंड शेप है। अब इसको हम थोड़ा और दो राउंड बढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे करके फिर अब इसको हम बढ़ाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ये आधा स्टार्ट हो गया, मतलब आधा बन गया है। अभी इसके आगे मैं एक राउंड और घुमाऊंगी, दो राउंड, उसके बाद फिर इसको हम घटाएंगे। आगे बनाते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसको हम घटाने जा रहे हैं। एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से हमें पांच चैन बना लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको
आपको बताऊंगी कैसे बताऊंगी। देख सकते हैं फिर तीन हो गया, फिर इसको हम एक साथ घटाएंगे ऐसे, तो ऐसे करके धीरे धीरे घटेगा। और फिर हम इसके बाद हम फिर आगे एक चेन ले, फिर पांच बार बनाना है सेम पहले जैसे वन फोर देख सकते हैं तीन फिरो। अब इसको हम एक साथ ऐसे घटा देंगे, ये है घटाने का आसान तरीका। अब हम इसी तरह धीरे धीरे करके पूरा गुलाब देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें कॉटन डालेंगे, ये सिल्क कॉटन है, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल सकते हैं। इसमें क्या वाश करेंगे तो पानी नहीं रुकेगा, अच्छे से सूख जाएगा। इसके कई फायदे होते हैं ये वाला कॉटन डालने से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम पत्तियां बनाएंगे। अब इसमें हम पांच चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे, जॉइंट करने के बाद अब इसको हम राउंड शेप में हाफ क्रोशिया में इसको हम भरेंगे। ये अपना क्रोशिया पकड़ने का नया सबका अलग अलग तरीका होता है, जिसको जैसे आसानी पड़ती है वैसे वो क्रोशिया अपना अपने हिसाब से पकड़ के रखता है। अब इस धागे को हम थोड़ा कट करेंगे, छोटी सिजर हो उससे हम इसको कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया है मैंने, इसके बाद हम सेकंड राउंड बनाएंगे। सेम उसी तरह इसको अगला राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं हम, अब इसको हम बढ़ाएंगे डबल डबल बार, एक में एक चैन में दो बार बनाएंगे, वन एक ही में पहुंचेंगे दो।
ऐसे करेंगे तो मुझे डबल डबल फंदे चाहिए करके। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैंने ये पूरा बना दिया है, बेस कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें बगल बगल से कलियां निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें सेट करेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं, आठ आठ फंदे लेने हैं हमें, आठ आठ फंदे से हम स्टार्ट करेंगे। आठ फंदे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इस यहीं से वापस आएंगे, फिर उसको हम बढ़ाएंगे जो थ्री सेवन एट नाइन, क्योंकि हमारा एक एक फंदा बढ़ते जाएगा। नाइन, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, देख सकते हैं। तो अब इसको हम घटाना से स्टार्ट करते हैं, घटा रहे हैं। इसको हमें एक फंदा छोड़ के दूसरे से स्टार्ट करूँगा।